हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बाली क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ साथ जो प्रिंसिपल से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बाली क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनके वीडियोज को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो है आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलरली जो है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो आया वो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ पोस्ट है प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। और जो सब्जेक्ट है एनी डिसिप्लिन फ्रॉम साइंस आर्ट कॉमर्स सीटीसी फॉर प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो सब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी इन सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वो रहेगा एज पर यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग या एज पर यूजीसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी, हॉनोरेरियम दिया जाएगा, वो 60,000 पर मंथ रहेगा प्रिंसिपल के लिए और 35,000 पर मंथ रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है मेंशन कर रखी इन्होंने 24 जनवरी 2022 है। तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब अटैच करने और आपको जो है सेंड कर देना ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली UP ऑन बिफोर 24 जनवरी 2021। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको www.mjpru.ac.in पर जाके आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करके आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो रहेगा टेंटेटिवली 2nd वीक ऑफ फरवरी ऑनवर्ड्स में, अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है तो। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे आपको 1,500 फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए और 1,000 इन केस ऑफ ST/ST कैटेगरी के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो DD बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट जो इन्होंने मेंशन कर रखी है वो नॉर्मली 2 इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखी है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये बढ़ और घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है MJP बरेली यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो फिल करना है और आपको जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है और आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा फॉर्म दे रखा है। तो आप जिस भी जो भी आप जो है यहाँ पे फिलने के लायक हो तो आप उस फॉर्म को उस पॉइंट्स को आप फिल करिए और उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है। इसके आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन भी मेंशन करना है और आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फी आप डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जो है आप बना रहे हैं वो भी जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मेंशन करना है, डिपार्टमेंट सब्जेक्ट मेंशन करना है और आपको सेंड करना है टू द रजिस्ट्रार महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 243006 UP, ठीक है। तो ये आपको एनवेलप के ऊपर लगाना है, हार्ड कॉपी एनवेलप के ऊपर लगाना है ताकि जो है आपको ये जो है क्लियरली मेंशन हो सके कि आप किस पोस्ट के लिए या किस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हैं। और फॉर्म में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लगा शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।